हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज खाना का जन्मदिन है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, देख सकते हैं थोड़ा बादल उदल हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है खाना जी काली घटाओं में पैदा हुए थे, एकदम काली कोठली में, तो काले काले बादल छाए होते हैं ऐसे दिन। तो गाइस, आज हमारे यहाँ लगता है मेला जन्माष्टमी का, तो हम जाने मेला में और खाना का बर्थडे का केक भी काटने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, लास्ट तक बने रहना। तो गाइस, अभी हम चलते हैं मेले में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो हमारे अलीगढ़ के अंदर लगता है मेला। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, सबसे पहले कराते हैं आपको भगवान के दर्शन। तो चलते हैं, चलते हैं मंदिर में, उसके बाद दिखाते हैं सारा मेला। तो वीडियो सिंहासन पर बैठ के झूला झूल रहे हैं, आप देख सकते हैं प्यारे प्यारे से। दर्शन जी कहाँ हैं आपके? आओ जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो गाइस, आपने भगवान जी के दर्शन तो कर ही लिए होंगे, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे हमारे भी, और आपने भी कर लिए होंगे। तो ये हमारे यहाँ का अलीगढ़ का चलताल मंदिर है, जहाँ पे शिवरात्रि वाले दिन कांवड़ चढ़ाई जाती है। और हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर मेले में, यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है। तो गाइस, ये हमारे यहाँ का मेला है। तो गाइस, हम वहाँ पे जो गए थे, वहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा शोर शराबा था, इतना सामान था नहीं। तो हमारे यहाँ अलीगढ़ में एक जगह नहीं, कई जगह मेला लगता है। तो हम यहाँ पे आ गए दूसरी जगह, यहाँ पे इतना है, थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा था। ये देखो, और ये इनके पापा यानी मेरे ससुर, एक बार दिखाते हैं सामान लगा रखा है इन्होंने, बेच रहे हैं यहाँ पे। ये देख सकते गाइस, इनके पापा है जो चश्मा लगा के बैठे हुए हैं वाले, और ये पूरा सामान बेच रहे हैं लोग। और ये इनकी रेडी है और इनके कस्टमर है।
क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है और धूल भी बहुत उड़ रही है, थोड़ा आगे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है कहीं भी, क्योंकि यहाँ पहले बार लगा है, शायद इस साल पहली बार लगा है, वरना दूसरी जगह वहाँ पहले से लगता आ रहा है, तो वहाँ पहले से सारी सुविधाएं की जाती हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर पे, क्योंकि आपने भी देखा होगा वीडियो में वहाँ पे ज़्यादा मेला वेला नहीं था, क्योंकि जन्माष्टमी का कोई वैसा नहीं है, तो थोड़ा ही टाइम पास के लिए लोग आग लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो रात के टाइम लोग आग पूजा करते हैं तो तब तक का टाइम बीत जाए, इस वजह से टाइम पास के लिए कर लेते हैं। तो हम तो गाइस गाड़ी से उतरे भी नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं, बहुत ज़्यादा धूल मट्टी हो रही थी, तो हम तो अपने घर पे आ गए, और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो मैं व्रत भी आज मेरा तो कुछ खा पी तो नहीं सकते, मैं दूध लेके आई थी तो उसका थोड़ा रबड़ी वबड़ी बना के, दूध तो अच्छा नहीं लगता। तो गाइस अरे यार गाइस अभी क्या बोलते हैं, तो मैं दूध लेके आई थी तो उसका रबड़ी वबड़ी बना के खाती हूँ, और इन तैयार करते चंद्रमा का खाना था गर्म होने का, देखती हूँ ये मेरा चाहिए। तो फाइनली गाइस हम अपने घर पे आ चुके हैं, हमें कहीं नहीं जाना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत थक गए, क्योंकि कमर में भी दर्द हो रहा है, और देखो मैं तो व्रत है, मेरे को भी बहुत भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है इनसे छीन के खा लूं, बहुत मन कर रहा है, और ये देखो इतना खाना कौन सा क्या खा रहे हैं, इसमें तंदूर की रोटी है और नमक और लाल मिर्ची है पिसी हुई, मतलब कोई सब्जी अच्छी नहीं है, क्योंकि अच्छा लगता है बार बार सब्जी लाओ तो अच्छा नहीं लगता। तो गाइस अपना जो रबड़ी थी वो बन चुकी है और खाने में अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत लगी है, एक डेढ़ मतलब एक किलो से ज़्यादा दूर था उसको, जब एकदम गर्मी में और गर्म करते रहो एकदम कढ़ाई में तो टाइम तो लगता ही है बहुत, अब देख सकते एकदम मस्त है रबड़ी है, ये घर की बनी हुई प्योर रबड़ी। गाइस 12:15 हो गई है, पर अभी चंद्रमा भी दे गाइस देख, चंद्रमा को देखते देखते ना 1 बज गया, अब चंद्रमा निकला ही नहीं अभी तक, ना तो हमारा जल चढ़ पाएगा ना कुछ, तो गाइस हम तो सो रहे हैं, ये तो देखो बहुत देर की सो गई 12 बजे करीब, तो हम भी सो रहे हैं गाइस, अभी मैं देख के आया था, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, 12 बजे से देख रहा हूँ मैं, 1 बज गया अभी तक मुझे कुछ दिखाई नहीं, क्या करें गाइस मैं तो सो रहा हूँ। तो गाइस आपको गुड मॉर्निंग, और सुबह के बज चुके हैं, सुबह नहीं दोपहर हो रहा है, 12:13 हो रही है। तो फ्रेंड मेरा जो पूजा थी उस